ओए तुसी चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं लगदा है पाकिस्तानी अवाम ओए सजन दो तानु चैनल सब्सक्राइब करन दा तरीका नहीं आंदा थल्ले जाओ सब्सक्राइब दा बटन है ओनु क्लिक कर दो ते मेरी वीडियो मुकम्मल देखो। हेलो गाइस, आई एम मोहम्मद कासिम एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड लाइफस्टाइल। इन दिस अमेजिंग वीडियो आई डिस्कवर 7 फन फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल टू अमेज यू। आपको हैरान कर देने वाले दुनिया के कदीम तीन जानवरों के बारे में 7 दिलचस्प हकीकत इस वीडियो में शेयर करने वाला। क्या आप जमीन के कदीम तीन जानवरों की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं? साइंसदान मुतासिर गुन परछाइयों को बेनकाब करना जारी रखे हुए हैं, जो सदियों और उससे भी ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकी हैं। आर्कटिक शार्क से लेकर जजीरे के कछुओं तक दुनिया के सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले जानवरों की ताजा तरीन दरियाफ्तें मालूम करें। ये दिलचस्प हकीकत यकीनी तौर पर आपको हैरान कर देंगे। साइंसदानों ने ग्रीन लैंड की एक शार्क दरियाफ्त की है जिसकी उम्र 500 साल से ज्यादा हो सकती है। आप दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक ग्रीनलैंड शार्क को आर्कटिक के बर्फीले पानियों में रहते हुए देख सकते हैं। शार्क ना सिर्फ 16 फीट तक बढ़ती है बल्कि इसकी जिंदगी भी मुतासिर कुन होती है। शार्क अपने 150 साल गिरा के बाद दोबारा पैदा होना शुरू नहीं करी है, जो उन्हें माहीगीरी से बचाने के लिए खास तौर पर अहम बनाती है। साइंस मैगजीन में शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया कि साइंसदान ग्रीनलैंड शार्क की आंखों की मुनरद साख देख कर इसकी उम्र का अंदाजा कैसे लगा सकती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, शार्क अपनी आंखों के अदसे पर मजीद तहीं उगाती है। आप 16.5 फीट शार्क को तलाश करने के बाद इनकी हैरत का तसव्वुर कर सकते हैं, जिसकी उम्र 272 साल से लेकर 512 साल के दरमियान दरियाफ्त की गई। एक बायोलॉजिस्ट के मुताबिक 1880 की दिहाई से हार्पून के साथ सराइत शुदा बू हेड वहील मिली। बू हेड वहील जो जमीन की सबसे बड़ी स्तनदानों में से एक है, लंबाई में 60 फीट तक जो कि 18 मीटर बनते हैं। यह खूबसूरत ममालिया भी तवील उम्रों में से एक फखर करता है। 2007 में एक बायोलॉजिस्ट ने एक हैरान कुन दरियाफ्त की, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट किया गया। इन वाइट ने हाल ही में अलास्का के साहिल से एक बू हेड वहील का शिकार किया था। उसके बलबर से बरामद होने वाले हारपून के टुकड़े थे जो 100 साल से ज्यादा पहले न्यू बेडफोर्ड मैसाचुसेट्स में वहील्स के जरिए इस्तेमाल किए गए थे। इससे वहील की कम अज कम उम्र 150 साल दरियाफ्त की गई। कोई मछली 200 साल से ज्यादा जिंदा रह सकती है और लाखों डॉलर में फरोख्त होती है। जापानियों ने 1700 की दिहाई में अपने अलग रंगों के लिए कोई की अफजाई शुरू की, जैसा की दूसरी सकाफतें तो को पालती है, ज्यादातर 25 से 35 साल के दरमियान रहते हैं। हालांकि संगोनैन के नेशनल जू एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ने सबसे कदीम रिकॉर्ड शुदा कुई की इतला दी है, जिसकी उम्र 230 साल के लगभग है। कुई बड़ी गोल्ड फिश की तरह दिखाई दे सकता है, लेकिन ये दरअसल कार्प की एक किस्म है। लफ्ज कुई जापानी में कार के लफ्ज से मकूज है। जापान में इनका वजन सोने में है और लोग खुशकिस्मती के लिए कुई के तालाब जमा करते हैं। वो हर एक के लिए खूबसूरत पैसा अदा करते हैं, बाज़ुकात हजारों डॉलर या उससे भी ज्यादा डॉलर पे करते हैं। हैरियट गैलापागोस कछुआ 1835 में चार्ल्स डार्विन के मशहूर सफर से पहले पैदा हुआ था। माहिर फितरत चार्ल्स डार्विन इर्तका की साइंस में अपनी शराकत के लिए तारीख में नीचे चला गया है। डार्विन ने 1835 में गैलापागोस जज़ायर के दौरे के दौरान अपने नजरियात को मशहूर किया। उस वक्त हैरियट नामी कछुआ गैलापागोस के जजीरे सांता करोस यथा किया गया। वो तकरीबन 1830 में पैदा हुआ था और तकरीबन 2 सदियों तक जिंदा रहा, जिसकी वजह से वो अब तक के तवील जिंदा कछुओं में से एक है। उसने ऑस्ट्रेलिया के चीरे घर में कई साल गुजारे और उसकी मलकियत मरहूम स्टीवा रोन की थी, जो के लाइफ साइंस रिपोर्ट में उनको बताया गया कि क्रोकोडाइल हंटर जैसा दुनिया में कोई भी इतना पुराना कछुआ नहीं है। वस्ती या जनूबी अमरीका में बारिश के जंगल में से गुजरते हुए आप ऊपर देख सकते हैं और एक चमकदार रंग का तोता सर के ऊपर उड़ता हुआ देख सकते हैं। ये मकाऊ मुख्तलिफ किस्म के परजाइयों और रंगों में आते हैं, जैसा कि सब्ज, नीला, सुर्ख और पीला। मकाऊ इंसानों की उम्र तक जिंदा रहते हैं, तकरीबन 80 साल तक, और लोगों की तरह टीमों में भी मिलकर काम करते हैं। साइंसदानों ने देखा कि नीले सर वाले मकाऊ एक साथ मिलकर रजाकाराना तौर पर काम करते हैं ताकि नट इनाम के लिए टोकर
रुकन का मुतालबा किया जा सके। चीनियों के जेर इक्तदार आखिरी शाही खानदान के दौरान मंग के नाम से एक कलीन जिंदा था। कलम की 12,000 से ज्यादा अनुभव पूरी दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ रिहायश गाहों में रहती है। एक को तो अपना ही अरबी नाम मंग उसके रिकॉर्ड और उम्र के लिए मिला। 2006 में आइसलैंड के साहिल से इकट्ठा किया गया मंग के सालाना अंगूठियों की गिनती से इसकी उम्र 507 साल पुरानी है। जैसा कि दी गार्डियन की रिपोर्ट है, इससे मंग को इतना बूढ़ा हो जाता है कि वो चीन के मंग खानदान के दौरान जिंदा था जो 1668 से 1644 तक जिंदा रहा। साइंसदानों ने रूस में परमाफ्रास्ट से 40,000 साल पुराने नीमाटोजर को जिंदा किया जो जमीन पर सबसे कदीम जिंदा जानवर है। 2018 में रूस में साइंसदानों ने सोनैन मैगजीन में लिखा कि प्रिंसन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आर्कट सर्कल के ऊपर परमाफ्रास्ट से बरामद होने वाले तकरीबन 300 नमूने को पिघलाने के बाद कुछ नेमाडोड हरकत करने और खाने लगे। कुछ की उम्र 30,000 साल से लेकर 40,000 साल तक है। तो ये दोस्तों, ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन जानवर जिंदा जानवर है। अगर कैसी लगी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबा।